नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं आरती पांडे। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से मात देकर फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले साल 1998 में फ्रांस ने यह खिताब जीता था। दिल्ली के हौज खास इलाके में एक एयर होस्टेस की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। जहां एयर होस्टेस के पति इसे खुदकुशी का मामला बता रहे हैं, तो वहीं एयर होस्टेस के परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर इलाके में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की राज्य में ये पहली रैली होगी। जम्मू कश्मीर के सियार वाटरफॉल पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहां वाटरफॉल पर चट्टान गिरने की वजह से यहां पर नहा रहे 7 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस समय रावलपिंडी की जेल में बंद हैं। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम की ओर से आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दायर की जाएगी। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।